सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने BSS टेट की परीक्षा 23 या 24 फरवरी को दी थी। जी हाँ, 23-24 फरवरी को बिहार में विशेष शिक्षक बनने के लिए एक परीक्षा ली गई थी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। उसके आंसर की को लेके, उसके रिजल्ट को लेके कुछ अपडेट्स आई हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं, व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाएं, इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब डायरेक्ट चलते हैं उस अपडेट पर जिसके लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना। जी हाँ, ऐत द्वारा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23 फरवरी एवं 24 फरवरी को CBT के माध्यम से आयोजित बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 का रिस्पॉन्स शीट उत्तर कुंजी सहित समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर दिनांक 18 अप्रैल 2024 के अपराह्न से अपलोड रहेगा। दोस्तों, बात करी जा रही है कि 18 अप्रैल को आपकी रिस्पॉन्स शीट जो आपकी है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और आगे इसके बारे में क्या लिखा गया है, उक्त रिस्पॉन्स शीट के उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो संबंधित अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर दिए गए लिंक क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन BSS टेट 2023 पर क्लिक कर दिनांक 18 अप्रैल 2024 के दोपहर से दिनांक 20 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो रिस्पॉन्स शीट दी जाएगी, उत्तर कुंजी दी जाएगी, अगर आप लोगों को उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी आपत्ति, अपना ऑब्जेक्शन ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न ₹50 निर्धारित शुल्क के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य है, ये इसमें कहा गया है। आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, निर्धारित अवधि के बाद या अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे बिहार में जो विशेष शिक्षकों के लिए एक पात्रता परीक्षा ली गई है उसके रिजल्ट का इंतज़ार अभी आपका ख़त्म होने वाला है, आपकी आंसर की आने वाली है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।